जी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कैलोरी मीटर की फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था दैट वाज ग्लास कैलोरीमीटर और आज हम स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बॉम केलोरीमीटर याद रहे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था द मैयर ऑफ चेंज इन थॉलपी ऑफ अ सिस्टम दैट इज़ नोन एज कैलोरीमीटरी और जिन इंस्ट्रूमेंट्स या जिन वेसल से हम इस चेंज को मैयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कैलोरी कहते हैं तो सेकेंड टाइप हमारे पास है आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर हम किस टाइप ऑफ एंथोलपी के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं और इसकी एक्यूरेसी क्या है स्टूडेंट्स बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है हम एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एंथोलपी के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स ये ग्लास कैलोरीमीटर से इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं नेक्स्ट पॉइंट इंथोलपी ऑफ कंबे ऑफ एनी फ्यूल फूड मेटीरियल और अदर कंपाउंड ठीक है फूड मेटीरियल की कंबस्टन्स या अदर कंपाउंड जो है उनमें लिक्विड्स भी हो सकते हैं उनकी कंबस्टन के लिए उनकी इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन को मैयर अप करने के लिए हम बॉम्ब क्लोरीमीटर को यूज करते हैं थर्ड और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका दैट इज बॉम कैलोरीमीटर को स्टूडेंट्स हम स्टडी करने के लिए एक कंडीशन रखते हैं दैट इज वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन यानी चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो वेसल होती है दैट इज क्वाइट क्लोज ठीक है और वहां पर चेंज इन वॉल्यूम की गुंजाइश नहीं होती दैट इज डेल्टा वी विल बी जीरो इन दैट केस इट्स मीन कि अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा वर्ड डन जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि वर्क डन स्टूडेंट्स हमें पता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम व्हेन चेंज इन वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू जीरो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर वर्क डन जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द हीट सप्लाइड ठीक है क्यूकी इक्वल हो जाएगी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो इक्वल टू वो क्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का क्या सेटअप है ठीक है इसके कौन से पार्ट्स हैं और हम इसको किस तरह से जो है वो यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स ये आपके सामने बॉम्ब क्लोरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं दैट इज अ स्टील वेसल लाइन विद इनेमल ठीक है इनेमल की कोटिंग है ताकि इसे क्रोइन से बचाया जा सके स्टूडेंट अब हम इस स्टील वेसल को ओपन अप करके देखें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक स्टील बॉम्ब प्रेजेंट है दैट इज इमर्स इन वॉटर वो स्टील बॉम्ब है उसके ये ब्लू कलर में क्या है दैट इज वाटर ये वाटर के अंदर इमर्स्ट हुआ हुआ है अब स्टूडेंट्स मजीद अगर हम इस स्टील बॉम्ब को ओपन अप करके देखें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहें कि इसके अंदर क्या मौजूद है स्टील बॉम्ब के अंदर जब हम देखते हैं वी कैन सी अ क्रूसिबल ठीक है क्रूसिबल होता है जिसके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस कर सकते हैं एंड दैट क्रूसिबल इज अटैच विद द इलेक्ट्रोड्स ठीक है और इन इलेक्ट्रोड्स की अटैचमेंट किससे हुई हुई है प्लेटिनम वायर से वेरी फाइन प्लेटिनम वायर ये हमने इंटरनल सेटअप देखा स्टूडेंट्स अब आप ये भी देख सकते हैं कि इस स्टील वेसल के अंदर थर्मामीटर भी मौजूद है और हमारे पास यहां पर स्टर भी मौजूद है और ये पूरा जो स्टील वेसल आप देख सकते हैं दैट इज अटैच विद द बैटरी ठीक है बैटरी के साथ अटैच है थर्मामीटर बैकपन थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मैयरअप करेगा अब स्टूडेंट्स हम इस पूरे सेटअप को कैसे स्टार्ट करते हैं कैसे सैम्पल प्लेसिंग करते हैं हम ये देखते हैं स्टार्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो क्रूसिबल है उसके अंदर अपना सैम्पल एज अ फ्यूल वो प्लेस करेंगे अब ये जो क्रूसीबल है दैट इज अटैच विद द इलेक्ट्रोड्स और दो इलेक्ट्रोड्स के अटैचमेंट किसके साथ है प्लाटिनम वायर के साथ है अब ये जो सारा सेटअप है स्टूडेंट्स हम स्टील बॉम्ब के अंदर प्लेस कर देते हैं और ऊपर से हम लेड को टाइटली कवर कर देते हैं अब ये जो स्टील बॉम्ब है इसके अंदर हम ऑक्सीजन फिलअप करते हैं एट ट्वेंटी टू थर्टी एटमोसफेरिक प्रेशर इसके अंदर ऑक्सीजन जो फिलअप करने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कंबस्टन के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं हमें हीट रिक्वायर होती है फ्यूल रिक्वायर होता है एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है यहाँ पर इस वजह से हम इसके अंदर ऑक्सीजन फिलअप रहे हैं स्टूडेंट्स अब इस स्टील बॉम को हम ये स्टील वेसल के अंदर इंसर्ट करें जहां पर नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है यानी इस वेसल के अंदर जितना पानी है वो हमने मयर किया हुआ है कि वो कितनी अमाउंट है उस पानी के अंदर हम इस स्टील बॉम को इमर्स करेंगे इंसर्ट कर देंगे और ऊपर से जब हम लेड को कवर करेंगे तो लिड के साथ क्या अटैच है स्टरर अटैच है थर्मामीटर अटैच है ठीक है और आप देख सकते हैं कि बैटरी की वायर भी अटैच है होगा क्या स्टूडेंट्स हम रिएक्शन स्टार्टअप करने से पहले स्टरिंग ऑन है स्टरर आपके सामने मूव कर रहा है ठीक है ताकि वाटर जो है उसकी जो हीट है या आप कह लेंगे जो सिस्टम है उसकी हीट जो है हम वो यूनिफॉर्मली मैय कर सकें थ्रू द थर्मामीटर स्टरिंग से यूनिफॉर्म हीट होगी और हम जो T1 वन टेम्परेचर है नोट करेंगे दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल स्टेट बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन जो बैटरी की वायर है जो फर्दर बॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच है और बाहर जो वायर है वो बैटरी के साथ अटैच है हम बैटरी को ऑन करेंगे बैटरी को ऑन करने से क्या होगा कि करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचेगा और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो फर्दर प्लैटिनम वायर को हीट अप कर देंगे ये जो हीट है दैट विल बर्न आवर सैंपल। जब हमारा सैंपल बर्न अप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा हीट इवॉल्व होगी ये हीट जो है स्टूडेंट्स फर्दर स्टील बॉम्ब की वॉल से वाटर में शामिल होती जाएगी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट में अगर हम स्टर ना रखते तो क्या होता कि जो हीट है वो नीचे वाले पोर्शन में रहती लेकिन स्टरिंग ऑन होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू आउट द सिस्टम अब जैसे ही हमने बैटरी ऑन कर दी हमने हर 30 सेकंड्स के बाद टेम्परेचर चेंज नोट करना स्टार्ट कर दिया कि क्या टेम्परेचर चेंज आ रहा है ठीक है और स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर हम तब तक नोट करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो फ्यूल है हमारा जो सैंपल है वो कंप्लीट उसकी कम्बस्टन नहीं हो जाती स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो टेम्परेचर्स आ जाएंगे जब कम्बस्टन कंप्लीट होगी थर्मामीटर पे हमारे पास जो टेम्परेचर आया है हमने इसे टी टू कर दिया है इनिशियली इनिशियल स्टेट पे टी वन टेम्परेचर था फाइनल स्टेट पे टी टू टेम्परेचर है तो इस पूरे सेटअप से स्टूडेंट्स हम क्या देख सकते हैं दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर हमने चेंज इन टेम्परेचर में कर लिया है ड्यूरिंग द होल रिएक्शन स्टूडेंट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इस पूरे रिएक्शन को प्रोसीड होने के दौरान जो हमारे पास क्यू हीट की वैल्यू थी वो क्या आई उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मुल आता है क्यू ज इक्वल टू सी इन डेल्टा टी अब यहां पर स्टूडेंट सी क्या है क्यू स्टूडेंट्स दैट विल बी द हीट गेन्ड बाय द सिस्टम ठीक है या लॉस इवॉल्व और एब्सॉर्व वो होगी सी क्या है हमारे पास दैट इट इज द हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम अब इस सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम में क्या इंक्लूड था बॉम्ब स्टील बॉम्ब एंड वॉटर और अदर पार्ट्स जो इफेक्ट कर रहे थे हमारे सिस्टम को ठीक है यानी बॉम्ब और वॉटर इनको मिला के हमारा क्या बन रहा है सिस्टम बन रहा है ठीक है स्टूडेंट्स तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय वन कैलवन हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट्स कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर वन कैलविन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी जो हमें हीट की अमाउंट सप्लाई करनी पड़ेगी टू इंक्रीज वन कैलविन उसे हम क्या कहते हैं दैट इज दिट हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम जिसे हम सी सी डोनेट कर रहे हैं और फॉर द डेल्टा टी हम जानते हैं चेंज इन टेम्परेचर है इनिशियल फाइनल और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस होगा टी टू माइनस टी वन टी टू इज द टेम्परेचर आफ्टर द रिएक्शन एंड टी वन इज द टेम्परेचर बिफोर द रिएक्शन इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर था दैट इज टी वन फाइनल स्टेट पे जो टेम्परेचर था दैट इज टी टू तो स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट से हमें हीट ऑफ द सिस्टम जो है वह हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है कि सिस्टम ने हीट गेन की या फिर इवॉल्व की ठीक है कम्बस्टन रिएक्शन में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं हीट जो होती है वो सिस्टम में से बाहर निकलती है तो आइए स्टूडेंट्स हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एच सी डैट इज फॉर कंबस्टन ये किसके इक्वल होगी हीट ऑफ द सिस्टम ठीक है ये इसके इक्वल हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये तब की बात है आइए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि बॉम्ब कलोरीमीटर में एक जब रिएक्शन होगा तो उसकी वैल्यूज को हम यूज करते हुए कैसे जो है इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 10.6 पॉइंट सिक्स ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड द टेम्परेचर राइज रिकॉर्डेड इज 3.87 केल्विन अब वो आपको बता रहे हैं कि बॉम कैलोरीमीटर में जो हमने सैम्पल एज अ फ्यूल लिया था दैट इज 10.6 ऑफ ग्रेफाइड बेसिकली स्टूडेंट्स बॉम कैलोरीमीटर में जो हम सैम्पल साइज होता है वो स्मॉल लेते हैं ज्यादा बल्क अमाउंट हम नहीं लेते तो यहाँ पर भी स्मॉल अमाउंट है टेन पॉइंट सिक्स ग्राम ये हमने लिया जब बर्निंग हुई इसकी तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आया है थ्री पॉइंट एट सेवन कैलवन और हमसे पूछा क्या जा रहा है कैलकुलेट द इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन ऑफ ग्रेफाइट इफ द हीट कैपैसिटी ऑफ द कलोरीमीटर जिसमें बॉम और वाटर ये इन्वॉल्व है कितनी वैल्यू है 86.02 किलो जॉल पर कैलविन ये डेटा है और इस डाटा से हमें क्या कैलकुलेट करना है इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन फॉर दिस रिएक्शन तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा कलेक्ट करते हैं डेटा में हमारे पास क्या है मैस ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या है कार्बन है बेसिकली ठीक है टेन पॉइंट सिक्स ग्राम है अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन उसे हम क्या कहते हैं ग्रेफाइट कहते हैं ठीक है थीके? अब चेंज इन टेम्परेचर यहां पर मैं छोटा सा एम भी लिख देती हूँ आपको ठीक है ऐसे अब नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से डोनेट करते हैं वो कितना आया है थ्री पॉइंट एट सेवन कैल्वन यूनिट ऑलरेडी कैलवन में है इसलिए हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो फिर हम इसे कैलवन में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट है वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इंथोलपी ऑफ कंबस्टन इट्स मीन कि जो रिक्वायरमेंट है और टू फाइंड वो क्या है दैट इज द डेल्टा एच सी नॉड हमें इंथॉलपी ऑफ कंबसन कैलकुलेट करनी है दैट इज क्वेश्चन मार्क ठीक है उसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे क्यू कैलकुलेट करेंगे और क्यू कैलकुलेशन के लिए एक चीज हमने डाटा में मिस कर दी है हमें हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम मेंशन है सी की वैल्यू दैट इज 86.02 किलो जाउल पर कैलविन इट्स मीन कि जो हमारा फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी वो कंप्लीट है डेल्टा टी की भी वैल्यू है और सी की वैल्यू भी है तो हम फॉर्मूला लगाकर हीट गेंड बाय द सिस्टम ठीक है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर हीट का क्या मतलब है कि जो स्टील बॉम्ब से हीट निकली थी कम्बस्शन के दौरान वो कहाँ ट्रांसफर हुई थी ये स्टील बॉम्ब की वॉल से ट्रांसफर होते हुए वाटर में और ओवरऑल उसने जो बॉम्ब कैलोरीमीटर था उसका टेम्परेचर चेंज किया था तो इस वजह से हीट गेन बाय द सिस्टम क्यू इज इक्वल टू सी

कैंसल आउट होगा तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज थ्री इसका यूनिट होगा स्टूडेंट्स अब ये हमने Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली फॉर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रेफाइट आर बर्न वो देखने के लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस मोलर मैस और अगर एलिमेंट है तो अटोमिक मैस होगा तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हम किसके कैलकुलेट करने जा रहे हैं ग्रेफाइट की एंड ग्रेफाइट इज कार्बन तो यहां पर मैस कितना है ग्रेफाइट का टेन पॉइंट सिक्स ग्राम और इसका एटॉमिक मैस कितना है ट्वेल्व है तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज पॉइंट एट फोर थ्री मोल्स ऑफ कार्बन और यू कैन से ग्रेफाइट ठीक है स्टूडेंट्स ये इतने मोल्स जब बर्न अप हुए तो हमारे पास ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुई स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि अगर हम वन मोल ऑफ ग्रेफाइट को बर्न करें तो हमारे पास इंथॉलपी ऑफ कंबस्टन की वैल्यू क्या आएगी याद रहे स्टूडेंट्स हमने कहा था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंथॉलपी ऑफ कम्बसन डेल्टा एच सी नॉट दैट विल बी इक्वल टू द क्यू ठीक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही स्टडी करते हैं इट्स मीन स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू द दम्बन फॉर पॉइंट एट फोर थ्री ऑफ कार्बन तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे डेल्टा एच सी नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री थर्टी टू पॉइंट एट नाइन किलोजाउन स्टूडेंट्स माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है द रिएक्शन वॉज एक्सोथर्मिक ठीक है हीट इवॉल्व हुई है और स्टूडेंट्स अब ये जो अमाउंट है ये ये इंथोलपी चेंज है ये कितने मोल्स के लिए पॉइंट एट फोर थ्री मोल्स ऑफ कार्बन के लिए है या ग्रेफाइट के लिए है अब हम क्या चाहते हैं हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इंथोलपी ऑफ कम्बस फॉर वन मोल ऑफ ग्रेफाइट तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे हमारे नंबर ऑफ मोल से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर वन मोल ऑफ ग्रेफाइट इंथोलपी ऑफ कंबस माइनस थ्री थर्टी टू पॉइंट एट नाइन किलो जाउल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट एट फोर थ्री मोल तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज माइनस थ्री फाइव किलो जाउल पर मोल ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वन मोल ऑफ ग्रेफाइट वेन कंबस्ट या उसकी जब कंबस्टन होगी तो इन पे चेंज की वैल्यू हमारे पास ये आएगी स्टूडेंट्स दैट वाज द डिमांड ऑफ आवर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ हमसे पूछा गया था कैल्कुलेट दी ऑफ कम्बस्टन ऑफ ग्रेफाइट ठीक है तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने बॉम कैलोरीमीटर के डाटा को किस तरह से यूज करते हुए इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन को कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट्स आप ये रिजल्ट ले सकते हैं इस लेक्चर से कि ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम कैलोरीमीटर जो हैं इन दोनों के डाटा से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इंथोलपी चेंजेस इन अ सिस्टम जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स याद रहे कि ग्लास कैलोरीमीटर में हम कंडीशन रखते हैं द प्रेशर इज़ कांस्टेंट ठीक है डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो जबकि बॉम कैलोरीमीटर जो है उसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो दो कंडीशन रख कर हम फर्दर जो है हीट चेंजेस को मैयर करते हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स हम एंथोलपी को भी मैयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़